हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? तो स्टॉक स्टोरीज का जो सीरीज चल रहा है, उसमें आखिर क्या है ये स्टॉक मार्केट, पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। बेटा, पहले आज देख लेते हैं कि आज मार्केट किस तरह से बिहेव की, क्योंकि कल थोड़ा बहुत आपको बताया गया। ये देखिए जी, डाटा आपके सामने है। आज भी अगर आप देखें तो इंडेक्स काफ़ी, मतलब कि निफ्टी इंडेक्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, काफ़ी उछाल में रहा है। ये बुल्स आज भी हावी थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने दिखाया है कि भी ओपनिंग जोड़ा है वो 8973 पे है, फिर हाई लगाया इंडेक्स ने यहाँ तक का, लो ये था और इतने पे बंद हुआ। मतलब कि एक दिन के अंदर अंदर निफ्टी इंडेक्स में ये मूवमेंट आ रही है, इतनी देख रहे हैं भाई। अब थोड़ा और डिटेल्ड में भी एनालिसिस करते हैं, जैसे कुछ बातें जो मैंने कल आपको करवाई हैं डिस्कस, वो इसके बहाने रिवाइज होंगी। जैसे ये देखें, आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे कि जैसे ये निफ्टी का आपका, आपको डाटा मेरे अकॉर्डिंग विजिबल होगा, हाँ जी, तो निफ्टी का जो पिछला क्लोज है, प्रीवियस क्लोज, ये देखो 8748.75 दिखाया, ओपन देखो 8973.05। यही कल समझा रहा था ना मैं आपको कि जहां मार्केट आज बंद हो गई, कल उतने पे खुलेगी, ऐसा नहीं होता। ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो अब 8748 पे मार्केट बंद हुई कल, आज सुबह जब खुल रही है तो 8973 पे खुल रही है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि अगर कोई चीज 8748 पे बंद होती है और ओपनिंग उसकी हो रही है 89, कितना लेवल था यहाँ 73, तो भैया तकरीबन तकरीबन 200 से ज्यादा पॉइंट तो ऊपर खुल ही रहा है। कितना गैप हुआ ये 8973 -8748, 225 पॉइंट ऊपर है। इसको ज्यादातर हम कहते हैं कि गैप अप ओपनिंग है, ये अच्छे उछाल के साथ बाजार खुला, समझ रहे कि नहीं। फिर और इस बाजार में क्या हुआ, 9128 का हाई लगाया इसने, नीचे आया 8904 तक, मतलब इससे नीचे नहीं आया पूरे दिन में। लास्ट ये लेवल है 363 पॉइंट अप हो गया जी, 4% के करीब बढ़ गया। इतने शेयर्स यहाँ ट्रेड हुए, क्या उनकी वैल्यू थी, 52 वीक हाई क्या है निफ्टी का और लो क्या है। लो बड़ा रीसेंट है बेटा, कि कोविड-19 के चलते ही ये लो आया था। हाई आप देख रहे हैं 12,430 का है। मेरा ज़्यादा निफ्टी इंडेक्स फेवरेट है, इसलिए मैं सेंसेक्स की बात थोड़ी कम करता हूँ, ठीक है जी। बाकी आप उसको भी पढ़ सकते हैं अपने एंड पे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई 7511 जो लो इस दौरान लगा और आज हम यहाँ आ गए हैं। तो बेटा जब इंडेक्स यहाँ आया था ना, तो इंडेक्स आपको पता है इंडेक्स के पॉइंट किससे बनते हैं, जो 50 शेयर्स के प्राइस हैं ब्रॉडली, तो वही मतलब है ना। वो कल हम काफ़ी टेक्निकल भी हो गए थे, चलो वो काम इंडेक्स की कंपटीशन मान लेते हैं कि एनएससी ने करनी है, हमारी चिंता नहीं है। पर हमें एक बेसिक आइडिया अब अच्छे से है कि वो भी कैसे करते होंगे। बेटा बात समझो, 7511 का मौका अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, अगर किसी ने 7511 जब निफ्टी चल रहा था तब खरीदे हों, तो तब से लेके आज के दिन तक की 30 से 35% रिटर्न दे चुके हैं। अब थोड़ा और एनालिसिस करें, मारुति देखो, घर घर की गाड़ी मारुति, ये स्टॉक जी कल यहाँ आप देखें, पहले तो प्रीवियस क्लोज देखें, 4698 पे बंद होता, आज खुलता है 4794, 100 रुपये ऊपर तकरीबन, देख रहे कि नहीं। 5399 का हाई लगाता है, 4736 का लो है दिन का, और दिन में एंड कहाँ हो रहा है 5350 पे, काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गया बेटा। पिछले हफ्ते आपको 4000 की लाइन में दिखाई दे रहा था, तो ये इन्होंने बताया कि एक दिन के अंदर अंदर 651.9 की मूवमेंट आई, 13.88% रिटर्न परसेंटेज में, मतलब एफडी बोले तो 2 साल में इतना। 52 वीक हाई ये है इसका, लो ये है, लो बड़े रीसेंट में लगा है, लो सबके रीसेंट लगे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। टाइटन वन ऑफ द फेवरेट बेटा, टाइटन में देखें जी, एलटीपी जेड़ा लास्ट प्रीवियस प्राइस था वो ये था 913, 931 पे खुलता, 1044 तक जाता है, 917 का लेवल भी आता है, लास्ट प्राइस ये लगाया है इसने। तो भैया आप देख रहे हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडेक्स ऊपर खुला, इंडेक्स के पॉइंट हमने यहां देखे भी कि ऊपर इंडेक्स खुला। अब इंडेक्स कैसे, इंडेक्स की वैल्यू कहां से बनती है, जो उसके अंदर 50 शेयर हैं उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग।
अब अगर वो सारे शेयर अपने पिछले क्लोज से हाई प्राइस पे ओपन हो रहे हैं तो ऑब्वियस है इंडेक्स भी ऊपर ही ओपन होगा। ज्यादातर शेयर आज निफ्टी में इंक्लाइन ही किए हैं, 43 शेयर्स इसमें ग्रीन में ही गए हैं, मतलब आप ही गए हैं आज के दिन में। 7 शेयर शायद आज भी डिक्लाइन किए, ऐसा कुछ डाटा है। तो ये एक जो कल हमने देखा था ना उसी की एक रिविजन है कि आप ये काफी डाटा देख सकते हैं। नो डाउट आजकल नेट सबके पास है, मोबाइल में ऐप्स बहुत अच्छी अच्छी है, मनी कंट्रोल बहुत अच्छी ऐप है, तो वहां से भी आप ये देखते रहो। क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि आज हमने क्या सीखना। एक रिक्वेस्ट आई है, कहते जी वो शेयर खरीद बेच कैसे होती है, ट्रेडिंग ट्रूडिंग थोड़ा वो जरा जल्दी बता दो। बता देंगे बेटा, टेंशन ना करो, अच्छे से सीखो, आपको पहले भी कहा। आओ जी बेटा क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि आज हमारे पास सीखने वाला मटेरियल क्या क्या है। तो मटेरियल तो काफी है, हो सकता है कि हम इसको दो पार्ट्स में करें, तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मौका आ गया है खरीदने का, खरीद लेते हैं, बेटा जो चल रहा है ना दुनिया में उससे पहले हुआ नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये आज एक न्यूज आई थी कि कुछ और स्टिमुलस पैकेज भी देने हैं गवर्नमेंट ने रिवाइवल के लिए, उसके चलते भी मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पांस दिखा दिया। अभी भी मार्केट नीचे भी आ सकता है, काफी अच्छे लेवल्स दोबारा आ सकते हैं। तो अगर खरीदना है तो थोड़ा होशियारी से, ऐसी पैनिक में ना खरीद लेना कि नया नया कोई 5-6 हजार रुपए इकट्ठे किए सेविंग के, वो सारे इस बढ़ती हुई मार्केट में लगा दिए। अभी पेपर पे खरीदो, एनालाइज करना शुरू करो, रोज का ओपन कहाँ है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है। फिर सोचो, वर्चुअली सोचो कि तुमने खरीद लिया, मान लो लिख लो, मॉनिटर करो कुछ दिन की मूवमेंट, देखो क्या होता है। पैसा गवाना नहीं है बेटा, बहुत पैसा शुरू में गवा दिया ना दोबारा वापस नहीं आ पाओगे, आराम से समझ के सीखेंगे। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर अगला टॉपिक ये आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है वो हमारा है जी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी भी कहते हैं। अपना पंजाब वाला सेबी नहीं बेटा, सेबी नहीं, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, रेगुलेट द एक्टिविटी। तो आप समझ सकते हैं कि एक गवर्निंग बॉडी है जो सारा कंट्रोल करेगी इनको, रूल रेगुलेशन बनाएगी। अब कहते हैं सेबी क्या क्या करता है। सेबी इंश्योर करता है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इसमें जो बड़े वाले हैं उनके नाम ज़्यादा लिखे जाएंगे, बीएससी एनएससी, वो अपना बिजनेस फेयरली करें, ब्रोकर सब ब्रोकर वो भी अपना बिजनेस पूरे ईमानदारी से करें, पार्टिसिपेंट अनड्यू प्रैक्टिसेस अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, इस तरह की बातें। तो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता। तो ये एक आइडिया था जिनको नहीं पता था कि भाई स्टॉक एक्सचेंज इसको कौन रेगुलेट करता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। देन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। एक्सचेंज तो एक प्लेटफॉर्म है ना, वो तो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारे यहाँ कंपनियां जो लिस्टेड है उनके शेयर खरीद बेच लो, पर वो खरीद बेच में कौन कौन उतरता है। एक तो कहता है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, दीज आर दी पीपल लाइक यू एंड मी, मतलब आपके जैसे और मेरे जैसे जो खरीद बेच करेंगे। NRIs कहते हैं ये वो हैं जो हैं इंडियन रीजन के पर बाहर बैठे। फिर उसके बाद कहते हैं जी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, दीज आर लार्ज कॉरपोरेट एंटिटीज बेस्ड इन इंडिया, जिस तरह की भाई LIC। फिर डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये जो हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं ना, जैसे HDFC हो गया, बिरला सन लाइफ हो गया, DSP, ब्लैक रॉक, बड़े मतलब की म्यूचुअल फंड कंपनी हैं जो रोज करोड़ों का माल खरीदती बेचती हैं मार्केट के अंदर, तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर सर FIIs आ गए, ये तो सर मार्केट को हिला देते हैं। कई बार हमारी पार्टिसिपेशन इतनी नहीं होती पर फिर भी मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो पता चलता है कि FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ तकड़ी बाइंग कर रहे हैं। तो मैंने एक डाटा भी रखा आपके सामने, ये डाटा कल का है, आज का नहीं है, 8 अप्रैल का है। इसमें इन्होंने दिखाया कि भाई जो हमारे FIIs हैं और DIAs हैं, ये FIIs हो गए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIA क्या हो गए डोमेस्टिक, इनका क्या हिसाब किताब चल रहा है। 8 अप्रैल के दिन इन्होंने परचेजेज इतने की सेल इतने की, मतलब इतने का माल खरीदा इतने का बेचा, नेट इनकी परचेज आई, क्योंकि आप ये परचेज देख सकते हैं, परचेज बढ़ी है। अब कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि FIIs की खरीदारी की वजह से निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ गया, 200 पॉइंट बढ़ गया, तो बिल्कुल ऐसा होता है भैया, खरीदारी करनी है, FIIs करे चाहे DIA करे, अगर खरीदोगे तो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई है, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो इंडेक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी, इतना तो हमें पता है। DIAs ने क्या किया,
यहाँ देखें जी, कल की परचेज और सेल में यह नेगेटिव दिखाया जा रहा है, बोले डी आई एज अभी घबराए हुए हैं। 7 अप्रैल का डाटा भी देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद अगर आप मंथ टिल डेट देखते हैं, मतलब जितना कारोबार अभी तक हो चुका है, नेगेटिव है दोनों का, पर एफ आईज का कम नेगेटिव है एज कम्पेयर टू डी आईज। मतलब एफ आईज को इंडिया में अभी भी ज़्यादा होप्स हैं। नो डाउट इंडिया को काफ़ी बड़ी इमर्जिंग मार्केट भी कहा जाता। कोविड से पहले नेचुरल है, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। इकोनॉमी की रफ्तार तो चलो पिछले कुछ सालों से थोड़ी स्लो है, बट स्टिल एफ आईज काफ़ी इन्फ्यूजन तो कर ही रहे थे फंड्स का। तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हुए कि मतलब जो मार्केट में खरीद बेच करते हैं, कौन है, एक तो जी हम हैं, हम लोग हैं। फिर उसके बाद जी आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक और एफ आईज वगैरह, तो ये एंटिटीज़ हैं जिस तरह एल आई सी वगैरह हमने पढ़ा। और आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक नॉलेज लेते जाओ और रोज़ जब आप मॉनिटर करना शुरू करोगे, मनी कंट्रोल ऐप तो अपने उस पर लगा ही लो, अच्छी ऐप है, और भी बहुत हैं बेटा, बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं। बाकी जब आप ब्रोकर अकाउंट खोलोगे तो उनकी अपनी जो खुद की ट्रेडिंग ट्रूडिंग ऐप्स होती हैं उन पर भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपने कि मार्केट कितने पे खुल रहा है, कितने पे बंद हो रहा है, एफ आईज क्या कर रहे हैं उसमें, डी आईज क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कौन से शेयर को खरीद रहे हैं। इस तरह लप्पेबाजी नहीं करनी है बेटा, समझ के। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन सीखा और आप मार्केट में उतर गए, पहले यूज टू हो इसको समझो। अब कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है, मतलब कि सिंपल सी बात है यार। अब आपको मार्केट में ट्रेड करवाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज और आपके बीच में कौन कौन है जो आपको उस प्लेटफॉर्म का असेस करवाएगा, फैसिलिटेट करेगा ताकि आप ट्रेड कर सको, आपके शेयर स्टॉक्स जो हैं उनकी सेटलमेंट हो सके खरीद बेच के बाद। तो पहले जी स्टॉक ब्रोकर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अगर ट्रेडिंग करनी है तो पहला स्टेप तो यही है कि किसी ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवा लो। स्टॉक ब्रोकर इज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज दैट यू नीड टू नो। बाकी इसके बारे में बताया गया कि एक कॉरपोरेट एंटिटी होगी जो रजिस्टर्ड होगी एज ए ट्रेडिंग मेंबर विद द स्टॉक एक्सचेंज, और इनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होगा। दे ऑपरेट अंडर द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय सेबी, और जो गाइडलाइंस सेबी इनके लिए बनाता है इन्हें भी फॉलो करनी पड़ती हैं। कहता है ये एक गेटवे है, एक रास्ता है जिसमें आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो मार्केट तक पहुँचेंगे। टू बिगन विद यू नीड टू ओपन समथिंग कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट विद ब्रोकर। ट्रेडिंग अकाउंट लेट्स यू टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन जिसमें आप बाय सेल कर सकते हो। अब मैंने कुछ ब्रोकर्स के यहाँ स्क्रीनशॉट दिए, जिस तरह जीरो था इसने रेवोल्यूशन ला दिया था बेटा। जब ये ब्रोकरेज में आए काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज रेट होते थे इनके आने से पहले, इन्होंने ऑलमोस्ट जीरो ब्रोकरेज रेट पे काम करना शुरू किया। नो डाउट अब ये नहीं है कि जीरो है, जब आप इंस्टॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा रेट्स क्या हैं। एक पूरी वीडियो इस पर भी डेडिकेटेड बनेगी कि कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, कैसे खोलें, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उस पर 15-20 मिनट हम लगाएंगे एक दिन। जीरो धा है, अब स्टॉक आजकल काफ़ी चल रहा है, वो अगला नाम है। देन इसके बाद एक ICICIDirect.com यहाँ पड़ा है। बाकी बेटा एंजल ब्रोकिंग बहुत निर्मल, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है यार। अब सारे ही ब्रोकर बढ़िया हैं, बस थोड़ा सा अकाउंट खोलते हो तो ये देख लें कि भाई जिनके जैसे जीरो धा और अप स्टॉक हैं और कुछ जो नए नए हैं, इनके चार्जेस बहुत कम हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत कम हैं, और जो ट्रेडिंग पे आपको ब्रोकरेज लगनी है वो भी बहुत कम है। अब जैसे ICICIDirect.com है, ये बहुत महंगा ब्रोकर है, तो इसके पास अकाउंट खोलने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आप उसमें अफोर्डेबिलिटी बैठेगी या नहीं बैठेगी, क्योंकि अच्छी खासी कमीशन ये ले लेते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स आजकल या इन्वेस्टर आजकल ये पहले वाले दो ही प्रेफर करते हैं, फिर भी हम इनको एक डिटेल वीडियो में दोनों का कंपैरिजन कराएंगे। तो ब्रोकर कौन है जिसके पास हमने अकाउंट खोलना है, अकाउंट खुलेगा, हमें लॉगिन मिलेगा, लॉगिन के थ्रू हम अपना एंटर करके ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल सब कर सकते हैं। अब डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि नाम आते रहते हैं मार्केट में, कई बार लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है क्या, बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल लिया इसने, कहता व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी ओनली वे टू आइडेंटिफाई कि आप इधर ओनर हैं, वो होते हैं प्रॉपर्टी के कागजात, मतलब प्रॉपर्टी के पेपर। एंड इट बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टोर द प्रॉपर्टी पेपर इन सेफ एंड सिक्योर प्लेस। नो डाउट इसके लिए घर पे सेफ या बैंक के लॉकर भी कई बार यूज किए जाते हैं जहाँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ रख दी जाती हैं। कहता है जैसे ही फिर आप शेयर खरीदते हैं, शेयर भी आपकी हिस्सेदारी रिप्रेजेंट करता है एक कंपनी में, पता है सर हमने सुना था वीडियो में। ओनली वे टू क्लेम योर ओनरशिप इज बाय प्रोड्यूसिंग योर शेयर सर्टिफिकेट। कहता है यहाँ भी अपनी हकदार, अगर आपने दिखाना है कि आप इस कंपनी के ओनर हैं, हकदार हैं इसमें, तो उसका सबूत आपका शेयर सर्टिफिकेट ही है।
शेयर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट ए पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि आप ये शेयर ओन करते हैं। कहता 1996 से पहले बिफोर 1996 शेयर सर्टिफिकेट होता था पेपर फॉर्मेट में, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो गए डिजिटल फॉर्म में, जो कि बहुत अच्छा हुआ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पेपर फॉर्मेट शेयर इनटू डिजिटल फॉर्मेट इज डीमटेरियलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में डीमैट बोल देते हैं। समझे कि नहीं, ये है जी डीमटेरियलाइजेशन, जिसे हम डीमैट बोलते हैं। शेयर सर्टिफिकेट इन डीमैट फॉर्म हैज टू बी स्टोर डिजिटली, मतलब कि इसमें और कोई साधन नहीं है, इसी तरीके से अब ये स्टोर होते हैं। स्टोरेज प्लेस फॉर द शेयर सर्टिफिकेट इज द डीमैट अकाउंट। तो ये काम जी कर रही हैं इंडिया में दो बड़ी कंपनियां NSDL और CSDL, ये काम को देखती हैं। ये आपको डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देती हैं जहां आपका शेयर स्टोर हो जाता है। अब आपको कुछ खास नहीं करना है यार, कुछ कहीं घूमना नहीं है। देखो इन्होंने क्या बोला, कहता जी आप डीमैट को ऐसे मानो कि डिजिटल वॉलेट है फॉर योर शेयर्स। द ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम योर ब्रोकर एंड डीमैट अकाउंट आर इंटरलिंक्ड। मतलब कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा डीमैट भी नहीं है तो मेरे को ये अलग खोलना होगा, नहीं नहीं बेटा, आपको ना बस सिंपल ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बस। उन्होंने आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देना है, डीमैट भी खोल देना। हाँ, ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे ऑटोमेटिकली वो आपका डीमैट भी खोलेगा, और आप जो शेयर खरीदोगे बेचोगे उसकी मूवमेंट इनफ्लो आउटफ्लो डीमैट में रिफ्लेक्ट होता रहेगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। तो इनको जो चला रहे हैं कंपनियों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, वो भी आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है जी बैंक माया, सबसे इम्पोर्टेंट। देखो जब आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोल लेते हैं उसमें आपको एक बैंक अकाउंट तो लिंक करना ही पड़ता है उसके साथ, इसके बगैर तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा फिर जो आप उनका ऐप या वेबसाइट के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे वहाँ कोई ना कोई फॉर्मेट में आपके सामने आएगा एड फंड्स। एड फंड में यही आपका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे आप, फिर उसको NEFT के जरिए, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड UPI के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक होगा, पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा तो ही शेयर खरीदे जा सकेंगे। हाँ, आपने शेयर बेचे, पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखने लग गया, आप चाहते हैं विड्रॉ करना तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ करते ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये बैंक भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो जी उसने लिखा, बैंक प्लेज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल इन द मार्केट इकोसिस्टम, दे हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब पैसा इसमें से आपके अकाउंट में से निकल के आपके ट्रेडिंग अकाउंट तक पहुंचेगा। यू कैन नॉट ट्रांसफर मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट दैट इज नॉट इन योर नेम। बिल्कुल जी, जो आपके नाम पे खाता वही लिंक होगा। यू कैन लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू विच यू कैन ट्रांसफर दी फंड्स एंड ट्रेड। भाई ये कह रहा है कि आप जैसे आज की डेट में क्या होता है, बंदे के 4-5 बैंकों में अकाउंट होती हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट लिंक कर सकते हो। पर ज्यादातर ब्रोकर्स में ना एक प्राइमरी अकाउंट की कंडीशन होती है कि वन ऑफ देम विल बी ट्रीटेड एज ए प्राइमरी अकाउंट। द डिविडेंड पेमेंट्स फ्रॉम बाय डिविडेंड पेमेंट्स या मनी फ्रॉम बाय बैक, जो पैसा आपको आना है वो आपके बैंक अकाउंट के जरिए आना। द प्राइमरी बैंक अकाउंट इज कनेक्टेड नॉट जस्ट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट बट ऑल्सो विद डिपॉजिटरी दैट इज रजिस्ट्रार्स एंड द ट्रांसफर एजेंट। मतलब कि ये जो डीमैट वगैरह था उसके साथ भी ये लिंक रहेगा। तो भाई ये तो हुई बातें कि भाई कैसे हमने ट्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या इंटरमीडियरीज हैं, मतलब कि हमारे पास ब्रोकर है, हमारे पास डिपॉजिटरी है, जो बैंक है, ये सब मदद करता है। बाकी आपको चिंता कुछ भी नहीं करनी जी, सबसे मेन आपका पैसा होना चाहिए तो आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी थोड़ा इसे समझना, फिर उसके बाद कैश सेगमेंट को समझना, फिर बेटा जी आज की वीडियो में थोड़ा बहुत तुम्हें बताने लगाऊंगी ट्रेड कैसे कैसे होता है। तो स्टॉक मार्केट दो तरह की है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जहां सिक्योरिटी क्रिएट होती है, जैसे हमने बात की थी कि एक कंपनी का बिजनेस काफी फैल गया और उसे मार्केट से 600 करोड़ रुपया रेज करना है, तो वो अपना IPO ले आई। अब इससे अगर आप शेयर खरीद रहे हो ना, ये बिल्कुल एक तरह से नया शेयर है जो पहले किसी ने ओन नहीं किया हुआ, ये प्राइमरी मार्केट है हमारी जो IPO वाली है। ये किसी एक्सचेंज से नहीं खरीद रहे आप, डायरेक्टली फ्रॉम अ कंपनी एज एन इन्वेस्टर। देख रहे हैं, पढ़े थोड़ा इसके बारे में। प्राइमरी मार्केट इज वेयर द सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड, है ना, यहाँ सिक्योरिटी क्रिएट होती है।
It is in this market that the firms sell new stocks and bond to the public for the first time. ये है प्राइमरी मार्केट, जब कंपनियां पहली बार कंपनियां अपना शेयर बेचती हैं, आप खरीद लेते हैं, कंपनियां पैसा आ जाता है, आपके पास शेयर आ जाता है. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट. इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइमरी मार्केट इज दैट सिक्योरिटीज आर परचेज डायरेक्टली फ्रॉम इश्यूअर. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप किसी एक्सचेंज के जरिए नहीं खरीद रहे. ये है जी कंपनी, मान लो एबीसी लिमिटेड, इसका आया आईपीओ, इन्होंने कहा हमारी 10 रुपये फेस वैल्यू की है शेयर की, पर हम एक शेयर के 32 रुपये लेंगे और मिनिमम आपको 100 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा. भाई साहब मिस्टर एन ने ये 100 शेयर के लिए इसे अप्लाई कर दिया. अब ये एबीसी लिमिटेड इसे शेयर दे रही है. हाँ, इसमें भी क्योंकि अब डीमेटेरियलाइजेशन हो चुकी है, आपका डीमैट होना जरूरी होता है और आप अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर अलॉटमेंट आपको आ जाएगी. ठीक है जी, वेरियस तरीके होते हैं जहां से आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं. ये भी ज़्यादातर ऑनलाइन ही है, पेमेंट सारी. ठीक है, ये है प्राइमरी मार्केट. तो जब हम कई बार बात करते हैं कि शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं यू शुड स्टार्ट फ्रॉम विद प्राइमरी मार्केट, भले आप अच्छे अच्छे आईपीओस की वेट करो फिर उसमें से शेयर खरीदो. क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आईपीओ दमदार है तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कई बार आपको चीज़ मिल जाती है. जैसे पीछे ही एक कल भी बात हुई, खैर उस शेयर की बात बहुत बार होती रहेगी, ये IRCTC का जो आईपीओ आया, ये इंडियन रेल की कैटरिंग कंपनी है बेटा एक तरह से. तो ये आईपीओ बड़े ही अट्रैक्टिव प्राइस पे था, मतलब कि कुछ 500-600 की रेंज में था. ये सभी पीछे दौड़ पड़े कि मैंने भी खरीदना, मल्टीपल लॉट सप्लाई कर दिए. कंपनी जितना माल बेचना चाहती थी उससे नंबर ऑफ टाइम अप्लाई कर दिया लोगों ने. तो अब मान लो अगर एक कंपनी 1000 शेयर बेचना चाहती है और लोग अप्लाई कर दें 30,000 शेयर के लिए, तो नेचुरल सबको शेयर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड. तो मेजोरिटी लोगों का तो पैसा वापस ही आने वाला है. अब जिसको मिलेगा, मान लो उन्होंने रेट रखा 750, जैसे ये शेयर आपको अलॉट हो गया उसके बाद कंपनी इसकी क्या करवाएगी, लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पे जाके इसकी लिस्टिंग करवा देगी, NSE और BSE पे. आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगी, भाई अगर तूने बेचना तो बेच ले. अब तू बता, तेरे 750 का मिला, दुनिया पागल थी इसके पीछे, तू 750 का थोड़ा ना बेचेगा. अगर तू बेचेगा तू तो 1000 मांगेगा, 1200 मांगेगा. यही बात है ना. तो प्राइमरी मार्केट एक मौका होता है कि कई बार वहाँ बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा होता. तो बहुत लोग जब आप उनसे पूछेंगे कि मैं शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत करूँगा, क्योंकि बेटा आईपीओ के रूट से करो, वहाँ शेयर सस्ता मिलता है, आपको लिस्टिंग पे बहुत फायदा हो जाएगा. बंदे नाराज भी हो जाते हैं, सर फिर तो हमें आईपीओ की वेट करनी पड़ेगी, हमारी तो फीलिंग ये है कि अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, और फिर आईपीओ तो बड़ी बड़ी कंपनियों के कई साल पहले आ गए, तो उन्हें हम कैसे खरीदें. भैया उसके लिए फिर अगली मार्केट में चलो ना, क्यों नाराज हो रहे हो, सेकेंडरी मार्केट चलो. अब सेकेंडरी मार्केट में आप जी जेड़ी मर्जी कंपनी का शेयर खरीदो. अब आपने कंपनी से थोड़ा ना खरीदना है, कंपनी से तो ये मिस्टर एन ने खरीद लिए. अब यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए. अब ये मिस्टर एन करेंगे कि भाई मेरी डिमांड इतनी है, मैं ये रेट इससे मांग रहा हूँ कि इतने पैसे दो, आप अपनी बिड डालो, आप बोली लगाओ कि आप कितने पैसे दोगे, अगर आपकी बातचीत बनती है तो शेयर आपके पास आ जाएगा. तो अब रिलायंस का आईपीओ आए हुए तो कितने साल बीत गए, ICICI बैंक का भी कितने साल बीत गए, तो उनको हम खरीद नहीं सकते. खरीद सकते हैं किसके थ्रू खरीदेंगे, सेकेंडरी मार्केट. और बाइंग इक्विटी सेकेंडरी मार्केट इज कॉमनली रेफर टू एज स्टॉक मार्केट. इसमें NSE, BSE और ऑल मेजर एक्सचेंजेस जो दुनिया भर में वो कवर हो जाते हैं. डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज दैट द इन्वेस्टर ट्रेड अमंग देमसेल्फ. मतलब कि अब सेकेंडरी, देखो प्राइमरी में क्या हो रहा था, प्राइमरी मार्केट में क्या था, यहाँ थी कंपनी जो शेयर इशू कर रही थी, आप थे इन्वेस्टर, आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे थे, कंपनी आपको अपने नए शेयर दे रही थी, कंपनी को पैसा जा रहा था. अब सेकेंडरी में क्या हुआ, सेकेंडरी में कंपनी ने अब दोबारा थोड़ा ना शेयर इशू करने हैं, कंपनी ने तो क्या किया कि उन शेयरों की लिस्टिंग करा दी NSE BSE पे. यहाँ वो शेयर अब ट्रेड होते हैं. अब एक्स को चाहिए तो कंपनी को जाके एक्स के की शेयर दे दो, ऐसा थोड़ा ना होगा. एक्स को वाई जेड ए बी सी डी जिनके पास ये शेयर होंगे, जो पैसा वो मांग रहे होंगे उनसे खरीद सकता है.
अब ये शेयर्स आपस में एक्सचेंज होंगे। दोबारा देखें, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज दैट इन्वेस्टर ट्रेड अमंग देमसेल्फ, दैट इज इन द सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर ट्रेड प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटी विदाउट इशूइंग कंपनी इन्वॉल्वमेंट। कहते सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटियां कंपनी ने इशू कर दी, जो शेयर कंपनी ने एक बार बेच दिए, उसी चीज को लोग बार बार बेचते रहते हैं। इससे कंपनी के लिए कोई नया पैसा नहीं क्रिएट होता, कंपनी की बुक्स में पैसा एंटर नहीं होता, पर सर कंपनी का फायदा तो बहुत जबरदस्त होता है। हर कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है अपने निवेशक की जो वेल्थ है उसे मैक्सिमाइज करना। अगर आप आईपीओ लेके आए 750 का, तो शेयर हो गया 6 महीने में 1500 का। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शेयर की लिस्टिंग कराई है, वहां लोग पागल हैं उसे खरीदने के लिए, तो उसका प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा है। तो नो डाउट आपने अपना ऑब्जेक्टिव जिहड़ा है वो अचीव तो किया ना एज ए कंपनी। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, कहता इफ यू गो टू बाय टाइटन, कहता अगर आप टाइटन को खरीदने जाते हैं, यू आर डीलिंग ओनली विद अनदर इन्वेस्टर हु ओन्स द शेयर इन टाइटन। टाइटन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे। आप किसी और बंदे के पास जिसके पास वो शेयर है उससे बातचीत कर रहे हैं, भाई ये मुझे बेच दे, क्या पैसे मांगता तू। तो ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो हमेशा आपने सुनी है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी इज बेसिकली द आईपीओ मार्केट एंड द सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके अलावा भी बेटा बहुत तरह की क्लासिफिकेशन और भी होती हैं। जैसे कहता है जी, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन देर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया एंड क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बोथ बीएससी एंड एनएससी हैव दीज टाइप ऑफ मार्केट्स। जैसे अब इसमें जी बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन आ रहा है, जैसे ये कैश सेगमेंट है पहले, फिर डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। कैश सेगमेंट तो बहुत आसान है सर। देखो कैश सेगमेंट तो समझना समझाना ही बड़ा आसान है कि जब कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है ना, उस देर इज द शेयर ऑफ रिलायंस 1230 रुपये पे। आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है कैश सेगमेंट में, आपको 100 शेयर खरीदने हैं, तो 1230 रुपये एक का प्राइस है, 100 शेयर आपको खरीदने हैं बेटा, कितने के आएंगे सर मल्टीप्लाई कर लो। कमीशन ब्रोकरेज रिलेटेड टैक्सेस सब इग्नोर्ड, 1,23,000 रुपये के शेयर आ जाएंगे। इतना पैसा आप दो, शेयर आपके 100 हमेशा के लिए, जब मर्जी बेचना कोई कुछ नहीं कहेगा। नीचे चला गया होल्ड कर लो, ऊपर बहुत आ गया टारगेट पूरा हो गया निकल जाओ, पूरे पूरे पैसे देने, बेचने पे भी पूरे पूरे पैसे मिल जाएंगे। ये होता है कैश सेगमेंट। बंदा कहता है सर फिर और इसके अलावा क्या होता है? सर देखते जाओ क्या होता है। डेरिवेटिव में तो पूरे पूरे लोग करियर बनाते हैं, उसकी बात मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि आज मेरे को आपको बेसिक ट्रेडिंग बतानी है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ो क्या कहता। द फर्स्ट टाइप ऑफ द मार्केट इज द इक्विटी मार्केट और कैश सेगमेंट वेयर स्टॉक्स आर ट्रेडेड। सिंपल लाइन, इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग द बायर ऑफ स्टॉक बुक अ बाइंग ऑर्डर विद अ बिड प्राइस। कहना जो खरीदार है, जो बायर है, ये बाइंग ऑर्डर प्लेस करेगा क्योंकि खरीदना चाहता है, तो नेचुरल आप बाय ऑर्डर ही डालोगे। तो उसमें आप अपनी एक बिड प्राइस डालोगे, बिड मतलब आप बोली लगाओगे। आपको कि मैं 100 शेयर रिलायंस के खरीदने के लिए तैयार हूं 1230 पे, है कोई? ऐसे लाउड स्पीकर पे नहीं लगानी बोली, कंप्यूटर पे, ऐप पे, क्वांटिटी में 100, लिमिट प्राइस डाल दिया 1230, ये आपने अपनी तरफ से बिड लगा दी। द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ ब्रोकर एट ए नेगोशिएटेड आस्क प्राइस ऑफर्ड बाय द सेलर। भैया आप तो खरीदने के लिए तैयार हो, आपने बाइंग ऑर्डर डाल दिया, दूसरी तरफ से कोई सेलर भी होना चाहिए ना। सेलर फिर सेलिंग का ऑर्डर डालेगा, और जैसे खरीदार जो बिड लगाता है, जो बोली लगाता है, उसे बिड प्राइस कहते हैं। सेलर जो डिमांड करता है कि मैं इतने पे बेचूंगा, उसको क्या कहते हैं? आस्क प्राइस, बिड आस्क। कभी भी देखना जब मार्केट चल रही होती है या बंद होने के बाद भी बिड और आस्क का डाटा आ रहा होता है। लाइव मार्केट में डाटा बड़ा फ्लक्चुएट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं समझाने के लिए, जैसे आरआईएल का एलटीपी आ रहा हो, एलटीपी आ रहा हो 1235, एलटीपी का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है? और सुबह के बजे मान लो 10:15 आपका मन बना कि आपने रिलायंस खरीदना, आपने बिड डलवा दी, मैंने 100 शेयर खरीदने हैं जी, और आपने कहा जी इस रेट पे नहीं खरीदने, 5 रुपये नीचे खरीदने हैं। अब कोई बंदा दूसरा है, उसने बेचना, वो कह रहा मैंने 100 बेचने हैं,
पर मैंने तो इतने पे बेचने हैं, तो इस वक्त तो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना ऐप पे, ऑर्डर चला जाएगा, फिर आप चेक करोगे कि आगे मेरे शेयर, वहां लिख के आ रहा होगा पेंडिंग, क्योंकि आप इस रेट पे खरीदना चाहते हैं, बेचने वाला ये प्राइस मांगता। फिर आप देखते हैं कि यार ये तो प्राइस टूट ही नहीं रहे, इतने में कोई और आ जाता जिसे लगता कि यार भाई ठीक है मैं 100 शेयर इसे बेच देता हूँ, क्योंकि एक ही बंदा थोड़ा ना मार्केट में सेलर। और कहता है यार मैं 1232 मांगने, बंदा कहता है चल यार 2 रुपये बढ़ा, अब आ रहा है, खत्म करते हैं इसको। तो ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है, देयर इज मल्टीपल बिड एंड आस्क, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड सीधा लिख के आ जाता। तो ये यहाँ ये कह रहा था कि जो कैश मार्केट में ट्रेडिंग होगी उसमें आप बिड डालेंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो आस्क प्राइस पे नेगोशिएशन होगी। इन मोस्ट केसेस डील इज क्लोज्ड और स्टॉक आर ब्रॉट एट द बेस्ट अवेलेबल आस्क प्राइस। क्योंकि आप देखो ना, रिलायंस तो जो मैंने नाम लिया है बड़े वॉल्यूम में ट्रेड होने वाला शेयर, आपने मान लो जी 100 शेयर मार्केट रेट पे खरीदने की बिड डाल दी। मार्केट रेट का मतलब होता है कि ये 1230 नहीं बोलना, जो मार्केट में है उस रेट पे दे दो। तो जो बेस्ट पैकेज होगा ना, सॉफ्टवेयर कोशिश करेगा कि आपके लिए बेस्ट रेट ले, मतलब कि शायद आपके लिए वो यही सिलेक्ट करके ला दे, ठीक है जी। तो इस तरह सब अगर हम करना चाहते हैं तो मैं इसमें एक लाइव ट्रेडिंग सेशन भी रखूंगा कि जिसमें हम ट्रेड करेंगे, देखेंगे कि ये बिड और आस्क कैसे होती हैं, पैसा मेरा, प्रॉफिट नुकसान जो भी होएगा वो भी मेरा, ठीक है जी। पर तुम्हें थोड़ा सा सिखा लूं पहले यार, बात ये है। अब कहते हैं जी, इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग द बायर पेज द एंटायर अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ स्टॉक विद द करंट प्राइस। जैसे 100 शेयर खरीदने थे भाई, 100 शेयर खरीदने थे और 1230 पे सौदा लग गया, तो हमारा जो बायर है वो ये पूरे पैसे पे कर देगा। बायर विल पे दिस मच एंड ही विल गेट 100 शेयर्स। बंदा कहता है सर फिर यही होना चाहिए। हाँ जी सर, कैश मार्केट में तो यही होता है। वंस द बायर पेज द एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद द ब्रोकरेज एंड द टैक्सेस ऑफ ट्रांजेक्शन, स्टॉक्स आर डिपॉजिटेड इन टू हिज डीपी अकाउंट। डीपी अकाउंट वही आपका डीमैट जो डिपॉजिटरी के पास है। इस तरीके से हमारी कैश मार्केट चलती है। आपने पूरे पैसे दे देने हैं, शेयर आपके डीपी में आ जाने हैं, एकदम से नहीं आएंगे, T+2 होता है, नॉर्मली थोड़ा टाइम लगता होता है उसमें आने में, बट शेयर आपको मिल जाएंगे। फिर आप जितने मर्जी लंबे समय के लिए रखें वो आपकी इच्छा होगी। डेरिवेटिव में आज नहीं करने वाला, नहीं तो फिर जो तुम कह रहे हो ना वो रह जाएगा। तो बेटा शुरू शुरू में जब तक हम डेरिवेटिव की बात ना करें, दो तरह की ट्रेडिंग पॉसिबल है, इंट्राडे ट्रेडिंग है और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है। सर इंट्राडे इज वेरी वेरी रिस्की, मैं इसके बारे में सिखा रहा हूँ पर साथ में कह रहा हूँ कि ऐसा करना सोच समझ के जरा। इसके लिए पहले आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए तो आप इसमें जा रहे हैं। तो हम पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं भाई, इसमें अगर कोई नुकसान आप करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, समझे कि नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता, ऐसा मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आप ये करें। तो इंट्राडे ट्रेड्स, जैसे कि नाम ही बता देता है, इंट्राडे मतलब कि दिस विल बी वैलिड फॉर अ डे ओनली, मतलब जो एक सेशन में ही खत्म हो जाएगा। इंट्राडे इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग अ स्टॉक विद इन अ ट्रेडिंग सेशन दैट इज ऑन द सेम डे। कहता अगर आप सिक्योर ऑफ इफ यू डू नॉट सिक्योर ऑफ योर पोजीशन बाय द एंड ऑफ द डे, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर दी जाएगी। सिक्योर ऑफ कल बताया था मैंने, पोजीशन को खत्म करना। अब ये सारा कुछ भी पढ़ते हैं, पहले बता देते हैं कि इंट्राडे कैसे है। सर इंट्राडे में क्या होता है, जैसे सपोज रिलायंस का शेयर आपने देखा कि 1230 पे ओपन हुआ, तो आपके देखते देखते ही 1238 हो गया, 1245 हो गया, तो अब आप पागल हो गए, ओ यार ये तो रिलायंस बहुत ऊपर जा रहा, खरीद ले इसको, पैसा है नहीं इतना। पर अब बंदा क्या करेगा, 1245 100 शेयर खरीदना चाहता, ओए होए तो पैसा बड़ा चाहिए। तो अगर तो इसको कैश एंड कैरी करना है, मतलब डिलीवरी लेनी है इसकी, तो इतना पैसा देना पड़ेगा, फिर ये आपका हो जाएगा हमेशा से। पर जो आपने आज के लिए गेम खेलनी है, इंट्राडे गेम ही कहता हूँ मैं तो इसे, तो आपको ना एक मार्जिन मनी रखनी पड़ेगी अपने खाते में, बस मार्जिन मनी रखनी पड़ेगी बस। अब जैसे ट्रेड वैल्यू है सर, मार्जिन ना ये मार्केट की वॉलिटिलिटी बड़ी और कंडीशनों पर डिपेंड करता है, तो जो भी मैं ये करूँगा उससे कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 10%, तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इतना पैसा है
तो इंट्राडे के लिए आपका ये ब्रोकर आपको 100 शेयर रिलायंस के बाय करने देगा, या आपने मार्जिन पे बाय कर लिया, बाय या मार्जिन पे। ये बेटा आप सट्टे लगा रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है देन अलग गया, देन यू आर ट्रेडर। अदरवाइज वैसे ही आप बढ़ गया और उस बीच में आप बह गए इमोशंस में और खरीद लिया, फिर कुछ भी हो सकता है। अब ये 1245 पे तेरे पास आ गया, हम यहाँ सीन पूरा ही बना लेते हैं, टाइम भी लिख देते हैं घड़ी पे, 10:20 है सुबह, ठीक है ना। रात को इस वक्त हमारी शेयर मार्केट नहीं चल रही होती, ये मार्जिन बाइंग होगी। पैसा मेरा लगा सिर्फ इतना सा। अब क्या होगा कि ये मेरे डीपी डूपी में बिल्कुल नहीं जाने, ये शेयर मेरे डीमैट में नहीं जाने, ये आज ही इसका हिसाब करना पड़ना मेरे को। मान लो घड़ी पे हुए 10:30 और रिलायंस लेवल दिखा रहा है 12:53, और आपने देखा कि एक शेयर के पीछे 8 रुपए आ रहे हैं आपके सर। बिल्कुल आपने यहीं पे ही स्क्योर ऑफ कर दिया। स्क्योर ऑफ करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, पहले बाय किया हुआ है, स्क्योर ऑफ कर दिया, क्या करेंगे, सेल, आ गया प्रॉफिट। ओहो, इंट्राडे में 800 रुपये बना लिए बेटे ने सिर्फ 10 मिनट में। जब बंदा नया नया होता है ना तो इंट्राडे जरूर करता है, खासतौर पर स्टूडेंट्स जो सीखते हैं। फिर बेटा नुकसान भी बड़े बड़े होते हैं, 800 रुपये बन गए, बंदा खुशी बहुत होता है, 10 मिनट में 800 रुपये बन गए। अब वो क्या करेगा, अब वो अगले दिन कहेगा अब थोड़ा और मार्जिन इकट्ठा करता हूँ, और बड़े बड़े सौदे लगाया करूंगा, और मतलब पैसा और मार्ज पैसा डालता हूँ ना ट्रेडिंग अकाउंट में ताकि मार्जिन मनी अच्छी हो जाए। मान लो ये बंदा अगले दिन एसबीआई का शेयर ये देखता है कि ओपन हुआ 180 पे, फिर कुछ ही मिनट में 183, फिर 185, इससे रहा नहीं गया, इसने चक्के इस पे भी इंट्राडे खेल दिया 185, 1000 शेयर पे खेल दिया। इस बार 1000 शेयर की ट्रेड वैल्यू ये बनती है, देख रहे कि नहीं। पर मार्जिन कितना रखना पड़ेगा सर, तकरीबन 10% नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। अब इसने 1000 शेयर का रिस्क उठा लिया अपने पे। अब ये काम कितने बजे किया ये भी लिखवा दो सर, ये 10 बजे कर दिया था सर, हमने 10 बजे थे और इतना मार्जिन रख के हमने ट्रेड चक दिया। कितने पे सर, इंट्राडे में 185 पे लॉन्ग किया हुआ एसबीआई को, लॉन्ग किया हुआ एसबीआई को 185 पे। अब क्या होता है, 15-20 मिनट बीतते हैं, एसबीआई 180 पे आ गया। ओहो बेटा, अगर अभी स्क्योर ऑफ करो, 5 रुपये जा रहे हैं 1000 रुपये के हिसाब से, 5000 रुपये का फटका, 5000 रुपये का फटका लग चुका है, 5000 रुपये का फटका लग चुका है। अब बंदा क्या सोचता है, वो यार अभी तो थोड़ा ही टाइम बीता है, अभी यूरोपियन मार्केट ना दोपहर जब हमारे यहाँ 1-2 बजे का टाइम होता है तकरीबन, तब यूरोपियन मार्केट खुलती है। कई बार वो ग्रीन में खुले तो इंडिया वाले भी रिएक्ट करते हैं, एफआईज होते हैं, बहुत बहुत फैक्टर्स होते हैं मतलब, ठीक है। बंदा कहता है चलो यार अभी रखता हूँ रखता हूँ, शायद ठीक हो जाए, थोड़ी देर में ऊपर आ जाए, थोड़ी देर बाद 178। अब सर यहाँ से कंपेयर करो तो 7000 रुपये का फटका। ओहो, फिर मान लो आप अभी भी नहीं निकले, अभी भी नहीं स्क्वेयर ऑफ किया, इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल होते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस, मतलब आपको टारगेट भी लेना पड़ता है कि 185 का खरीदा है, टारगेट मेरा मान लो 188 है, स्टॉप लॉस मेरा 183 है, तो वहां जैसे ही नीचे गया तो आपको निकलना होता, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे बेटा 2 ट्रेड में। ये भी नहीं किया आपने, अब ये इंट्राडे है ना, अब समझने दो, पूरा आने दो। अब मान लो 3:15 हो गए हैं, 3:30 नॉर्मली मार्केट बंद हो जाती है, आपकी ऐप पे वार्निंग आनी शुरू हो जाती है 3 बजे की, आप अपने इंट्राडे पोजीशन को क्लियर कर लें नहीं तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी, किसी वक्त स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी, ऐसी वार्निंग्स धमकियां आपको दी जानी शुरू कर दी जाती हैं। आपने वो धमकियां भी नहीं सुनी, कुछ देर बाद शेयर जब मार्केट बंद हो रही है 172 पे आ जाता है, तो वो आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। 185 आपने लॉन्ग किया, 172 पे ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो रहा है, भैया एक दिन में 13,000 रुपये गवा दिए, शक्ल बिल्कुल आप समझ नहीं सकते कैसी बन जाती है, बंदे का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये तो बेटा जी रिस्की काम है, अगर ये करना है, ये करना है तो इसके लिए या तो आप पहले बड़े एक्सपर्ट बने, टेक्निकल एनालिसिस सीखें पहले, तो मैं ये कहूंगा। फिर भी रिस्क रहेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेगा कि ट्रेड मेरा गलत जा सकता है, मैंने 185 पे खरीदा, मैंने 183 का स्टॉप लॉस रख लिया। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि
वैसे तो ये ऊपर जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, पर अगर 183 पे आ गया मैं वहीं निकल जूंगा। हाँ मेरा नुकसान हो रहा मैं मान लूंगा और नुकसान बुक कर लूंगा, ताकि नुकसान एक लिमिट में हो, ऐसा ना ना हो जाए जो ये हो गया। तो भैया ये है आपकी इंट्राडे। अब जिस तरह इसके बारे में थोड़ा यहाँ पढ़े, मोस्ट ट्रेडर इनिशिएट इंट्राडे ट्रेड बाय सेटिंग अप अ प्राइस टारगेट फॉर ए स्टॉक एंड बाइंग इफ इट इज ट्रेडिंग बिलो योर टारगेट, देन दे सेल द स्टॉक व्हेन इट रीचेस देयर टारगेट। ये सर वो टेक्निकल वाले बंदे हैं जो एक टारगेट प्राइस ढूंढते हैं कि इसे यहाँ खरीदेंगे, फिर उसके बाद इसको इस लेवल पे आती बेच भी देंगे, और इफ दे फील द स्टॉक विल नॉट रीच द टारगेट बिफोर द मार्केट क्लोजेस इंट्राडे ट्रेडर सेल इट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। अब तुम्हारा टारगेट यही था कि 185 पे खरीदा है, ये जाएगा जी 189 तक, पर वो आ ही नहीं रहा, वो नीचे ही जाए यार, तो भैया फिर बेच दो ना, मान लो यार कि गलत लग गया। ये है इंट्राडे। इसके अंदर आपको शेयर शेयर की कोई ओनरशिप नहीं मिलती कभी, या शेयर आपके डीपी में नहीं आएंगे, ठीक है जी, डीमैट में नहीं आएंगे। बस आपको एक अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छा आता तो शायद आप इसमें पैसे कमा लेते हो। मौके बहुत है बेटा। जिस तरह आप देखो ना, प्राइस वाली शीट कहाँ गई, ये रही। अब ये कोई भी शेयर ले लो यार, HDFC ले लो, जिस तरह आज की डेट में ये इतने पे खुला, ये दा हाई है, ये लो है, ये पिछला क्लोज था, तो इतने पे ओपन होके यहाँ तक एकदम तो नहीं चला गया होगा ना, नीचे भी आ रहा होगा फिर ऊपर जा रहा होगा। इतने बड़े मौके आते हैं जब आपको ट्रेड करना होता हो, थोड़े लाइन चार्ट्स वगैरह कैंडल्स वगैरह देखने आते हो, तो आप पैसे निकाल भी सकते हो, बट ये स्पेकुलेशन है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा जो कोर एरिया है ये वो नहीं है भाई, हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सिखाएंगे आपको, इस तरह की इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हम सिखाने वाले ज़्यादा। तो टर्म बहुत चलती है इसलिए आपको बता दिया। हाँ, ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें एक मार्जिन मनी की ज़रूरत पड़ती है। मार्जिन मनी हमारे टोटल ट्रेड की वैल्यू का कुछ परसेंटेज ही होती है, भले अगर हम 10 लाख रुपए का माल उठा रहे हैं तो तकरीबन 1 लाख में उठ जाएगा। पूरी मूवमेंट आएगी, फ़ायदा नुकसान दोनों तरफ हो सकता है, आपको पोजीशन सेम डे पे ही ख़त्म करनी होगी, और अगर ये ट्रेडिंग करनी हो तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस रख के चलना चाहिए। इंट्राडे में आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हैं, जैसे कल बात हुई थी कि खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है, याद अभी। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि बेचा भी जा सकता है, फिर उसके साथ इस वीडियो को एंड करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल के सेशन में इसे फिर कंटिन्यू ही करेंगे। तो इंट्राडे में बेचा भी जा सकता है, जिस तरह आपने देखा स्टॉक खुला, मार्केट खुली थी, स्टॉक काफ़ी बढ़ गया, तो आपको लगने लगा कि भाई अब ये यहाँ से ना टूटेगा, थोड़ा नीचे आएगा, इतना कंटिन्यूसली ये सुबह से लेके 3:30 बजे तक बढ़ नहीं सकता, अब थोड़ी सी इसमें सेलिंग आएगी, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, कि अब लोग जो बढ़ा रहे हैं, खरीद चुके हैं पहले सुबह, वो शायद अपनी पोजिशंस को हटाएंगे तो सेलिंग आएगी। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इसमें शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, या किसी स्टॉक के बारे में मान लो बैड न्यूज़ है और जिस वजह से हमें पता कि उसका आज टूटना बनता है, जैसे पीछे कोविड के चलते एक एक दिन में आपने देखा कितने कितने हजार पॉइंट मार्केट गिरी भी है, तो भैया उसमें तो फिर शॉर्टिंग करके पैसा बनाया होगा कहीं उन्हें। मान लो कोई एग्जांपल ले लो, सपोज आईटीसी, आईटीसी वैसे तो अच्छा शेयर है बट हमें लग रहा है कि नीचे जाने वाला, अभी ट्रेडिंग सेशन में मान लो 170 पे हमने इसे शॉर्ट कर दिया, याद है ना, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट किया तो पोजीशंस क्लियर ऑफ करने वक्त क्या करना पड़ेगा, याद कराओ सर, बाय करना पड़ेगा। अब तूने यहाँ सेल किया है, अब ये तू तभी यहाँ ऐसा कर रहा है इंट्राडे में जब तेरे को उम्मीद है कि ये नीचे जाने वाला है। सपोज तेरे ये शॉर्ट करते ही 170 पे शॉर्ट करते ही 15-20 मिनट बीतते हैं और ये 165 के लेवल पे आ जाता, बस निकल जो, बहुत है 5 रुपये तो बहुत है बेटा, 1000 शेयर मान लो लगाए थे तो 5000 रुपये कमा लिए, प्रॉफिट हो गया, ऐसा। तो जो लोग रेगुलरली मार्केट से पैसा कमाते हैं वो तो बेटा इससे बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज सीख कर चुके होते हैं, बहुत तकड़े टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, और उन सबको स्ट्रेटजीज का पता होता है, प्राइस मूवमेंट्स का पता होता है। हाँ, अनाड़ी बंदा करेगा, 2 दिन कमा लेगा, 3रे दिन डबल गवा देगा, फायदा नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट करो, उसमें आप थोड़ा खरीद लो भाई, आप जो इसमें मार्जिन में लगाने के लिए तैयार हो उसको अच्छे शेयर में लगा दो, होल्ड करो, ओवर द पीरियड ग्रो करो। कल भाई चर्चा इस पर और चलती रहेगी, इंट्राडे और डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स का कंपैरिजन भी होगा। भाई सीरीज में थोड़ी और पार्टिसिपेशन लाएं, वीडियो के लाइक्स और व्यूज थोड़े बढ़ाएं भाई, ताकि अपनी भी मोटिवेशन जड़ी है वो बनी रहे। ओके जी बेटा, बाय बाय।